फ्लिपकार्ट अमेजोन की कॉपी है, ओयो रूम्स एयरबीएनबी की कॉपी है, स्विगी डोर डैश की कॉपी है, पेटीएम पेपॉल की कॉपी, गाना.com स्पॉटिफाई की कॉपी, रिचार्ज जो पेपॉल की कॉपी है, स्नैपडील ने 2015 में अप्रॉक्स 400 बिलियन में एक्वायर किया था, jet.com जिसने अमेजोन की कॉपी बनाई थी 2006 में वॉलमार्ट ने उसको $3.3 बिलियन में खरीद लिया था। कैसे दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो हमें किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिससे आप बात करोगे ना वो आपसे बोलेगा मेरे भाई स्टार्टअप शुरू कर लो। हर किसी के दिमाग में एक ही बात है, आज मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा और 2 या 3 साल के बाद में मैं मिलीनियर या बिलीनियर बन जाऊंगा। तो हमें इस चीज को बारीकी समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप शुरू करने का फायदा है या पहले से चलते चलाए बिजनेस को कॉपी करने का फायदा है। क्योंकि मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आपके पास कोई नया स्टार्टअप बिजनेस नहीं है तो पहले से स्टार्टअप या पहले से जो बिजनेस मार्केट के अंदर मिलियन से बिलियंस का बिजनेस कर चुके हैं, आप अगर उनकी कॉपी करते हो तो आप उनका 2% या 5% भी आप अगर हिस्सा ले लेते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट कई लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया था, जो स्टार्टअप होता है उसको फंडिंग मिलती है या दूसरे बिजनेस को फंडिंग नहीं मिलती है। आज का वीडियो खत्म होते होते ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप एक स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है या आप किसी बिजनेस की कॉपी करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आज के वीडियो में दोनों चीजों का मैं एक प्रॉपर एक कंपैरिजन देने वाला हूं, जिससे इस वीडियो के बाद में आपके दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि आपको एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए या किसी बिजनेस की कॉपी करके पैसा कमाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो खत्म होते होते आपको बड़ा क्लियर हो जाए कि आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है या किसी बिजनेस की कॉपी करनी है। हर चीज में आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा और प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आपने मार्केट के अंदर एक लूप होल को ढूंढा और उसके ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी किया जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी आसान हो गई और आपने उसको बेच के बहुत सारा पैसा कमा लिया क्योंकि आपका मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं था। लेकिन स्टार्टअप बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट में 100 स्टार्टअप कंपनी शुरू होती है उसमें से 90% कंपनी जो फेल हो जाती है, 10% ऐसी कंपनी होती है जो मार्केट में टिकती है। इसका मतलब जो रिस्क होता है वो 90% का होता है और आपको हमेशा स्टार्टअप के लिए एक न्यू आइडिया चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी की कॉपी करते हो तो आपको कोई यूनिक आइडिया नहीं चाहिए होता। आपको मैं कुछ कंपनी के एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कॉपी कंपनी होती कौन सी। फ्लिपकार्ट अमेजोन की कॉपी है, ओयो रूम्स एयरबीएनबी की कॉपी है, स्विगी डोर डैश की कॉपी है, पेटीएम पेपॉल की कॉपी, गाना.com स्पॉटिफाई की कॉपी है, मेक माई ट्रिप एक्सपीडिया की कॉपी है। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरी कंपनीज को कॉपी करके मार्केट में आई और जो मिलियंस की कंपनीज बन गई। अगर आप कोई भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हो ना तो इनिशियल स्टेज में आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, आप किसी भी एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे और वो आपको आइडिया सुन के आपके आइडिया पर पैसा लगा देगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको शुरुआत में अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप अपने आइडिया को प्रूफ कर लोगे उसके बाद आप एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे और तब उसको अगर लगेगा कि हाँ आपके बिजनेस में दम है, आपने अपने दम पे कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रूफ किया है या आपने कुछ कमाया है, उसके बाद एक एंजल इन्वेस्टर उसके अंदर पैसे लगाता है। ऐसे बहुत सारे केस है जो आपने शार्क टैंक में देखे होंगे। शार्क टैंक में जितने लोग होते हैं उसमें से 80% लोगों के पास एक यूनिक आइडिया नहीं होता है, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी यूनिक होती है जिसकी बेस पे शार्क टैंक पे आने के बाद में फंड्स की डिमांड करते हैं। अगर सोचो आप जिंदगी में पहली बार बिजनेस कर रहे हो और आप स्टार्टअप आइडिया के पीछे पड़ गए और स्टार्टअप आइडिया आपने लगा तो दिया है, लेकिन अगर एक स्टार्टअप आइडिया फेल होता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। उसके पीछे खाली फाइनेंस का नुकसान नहीं होता है, उसके पीछे नुकसान होता है आपके इमोशंस का, उसके पीछे नुकसान होता है आपकी हिम्मत का। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें बिजनेस का कल्चर नहीं है। एक इंसान नौकरी छोड़ के या नौकरी वाले कल्चर से उठ के बिजनेस में आता है और अगर वो फेल होता है तो फाइनेंशियल से ज्यादा उसके जो इमोशन का नुकसान होता है ना वो सबसे बड़ा नुकसान। अगर आप कॉपी बिजनेस शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हो कि पहले से मार्केट में डिमांड कितनी है, आपका कंपटीटर कौन है, आपका कस्टमर कौन है, किसको जाके अपना माल बेचोगे, और ये एक प्रूवन आइडिया होता है जो मार्केट में चलेगा ही चलेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया तो वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आप मैक्सिमम वो स्ट्रेटेजी कॉपी करोगे जो एक बिजनेस पहले से ही कर रहा है। एक कॉपी बिजनेस को करने के सबसे बड़े बेनिफिट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको मैं कुछ कंपनियों के एग्जांपल देता हूँ। Myntra.com जो है जैपोस की कॉपी है, 2014 में फ्लिपकार्ट ने उसको $300 मिलियन में खरीदा गया। Redbus जो ग्रे हॉर्न का कॉपी है उसको आईबीओ ग्रुप ने 2013 में 138 मिलियन का खरीदा। FreeCharge जो पेपॉल की कॉपी है, स्नैपडील ने 2015 में अप्रॉक्स 400 बिलियन में एक्वायर किया था। jet.com जिसने अमेजोन की कॉपी बनाई थी 2006 में वॉलमार्ट ने उसको $3.3 बिलियन में खरीद लिया था। मेक माई ट्रिप जो एक्सपीडिया की कॉपी है,
2016 में trip.com ने $1.8 billion में खरीदा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिन्होंने कॉपी कंपनी बनाने के बाद में उसको मिलियन या बिलियन में बेचा। आज के डेट में आप किसी भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की कॉपी बना के खड़ी करते हो ना, तो उनका एक तरीका है, वो मार्केट में अपने कंप्यूटर को रुकने नहीं देते। जितना मर्जी पैसा हो वो पैसा देके उन कंपनीज को खरीद लेते हैं और मार्केट में अपने कंप्यूटर को खत्म कर देते हैं। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि एक स्टार्टअप करने में फायदा है कि एक कॉपी कंपनी बनाने में फायदा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।